तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया T10 का जो आज के दिन का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि खेला जाएगा VID वर्सेस शेरे पंजाब के बीच में। देखो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शेरे पंजाब का मैच चल रहा है SNSC की टीम के साथ, तो देखते इस मैच पर आपको नजर बना के चलना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया T10 में अभी तक शेरे पंजाब ने एक भी मुकाबला नहीं खेला है, तो अभी उनका वैसा स्टैट्स पता नहीं चला है कि रिसेंट में उनका कैसा प्रदर्शन है। तो अब शेरे पंजाब का ये वाले मैच पे अगर आप नजर बनाकर रखोगे तो आपको बैटिंग ऑर्डर प्रॉपर पता चल जाएगा, उसके बाद कौन सा बॉलर दो ओवर की गेंदबाजी कर जाएगा वो भी पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको दूसरे वीडियो में बता दिया था कि कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और कौन सा प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा स्मॉल लीग के नजरिए से, वो आपको फर्स्ट अपने वीडियो में समझा दिया था, दिन का जो दूसरा वीडियो था उसमें मैंने आपको समझा दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको प्लेइंग 11 तो पता ही होगा, बट जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को प्लेइंग 11 पता चल गया हो, तो एक एडवांटेज है मेरे पास कि मैं आपको सब कुछ बता सकता हूं कि ये प्लेयर इस बैटिंग ऑर्डर पर खेल सकता है और ऐसा प्रदर्शन कर सकता है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा प्लेइंग 11। बात करते हैं यहां से दोनों टीम्स का रिसेंट परफॉर्मेंस। तो अभी तक SCP की टीम ने कोई मुकाबला नहीं खेला इस टूर्नामेंट की, मतलब ऑस्ट्रेलिया T10 का मैच नहीं खेला है। बात करते हैं VID की टीम ने, तो इन्होंने 5 मुकाबले खेले और 5 में से 4 मुकाबले हारे, तो ये एक वीक टीम है जो कि ऑस्ट्रेलिया T10 में खेल रही है। बट शेरे पंजाबी की टीम भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कितनी बढ़िया टीम है, और नई टीम है उतना अच्छा प्रदर्शन भी नहीं करेगी। लाइक लॉर्ड्स क्रिकेट क्लब की अगर आप बात करोगे तो वो भी नई टीम थी, बट जिस दिन उनका दूसरे दिन में जो मुकाबला था उसमें उन्होंने काफी बेकार प्रदर्शन किया था, तो सेम शेरे पंजाब के साथ भी हो सकता है। बट ये इनके पास एडवांटेज होगा कि VID की टीम भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप दोनों टीम को बराबरी मान के इस मैच में आप जा सकते हो। बात करते वेन्यू को, तो C1 क्रिकेट ग्राउंड लोअर स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, जहां आपको बैटिंग पिच देखने के लिए मिल सकता है और शुरू में आपको तेज गेंदबाजों को भी हेल्प मिल सकता है। वैसे तो आर्टिफिशियल पिच है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होता जाएगा वैसे वैसे आपको लो स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगा, बट जैसा कि हम दो दिन से देख रहे हैं पहले मैच में आपको एक अच्छा रन स्कोर देखने को मिल रहा है, बट सेकेंड मैच में डाउन जा रहा है, थर्ड मैच में डाउन जा रहा है और फोर्थ मैच में डाउन जा रहा है। जैसे आज के दिन के पहले मैच की बात करो तो क्रिकेटर CC की टीम ने 180 रन के आसपास रन स्कोर किया और वियन्ना की टीम ने, इंडियन क्रिकेट क्लब की वियन्ना की टीम ने 130-140 रन ही स्कोर कर पाई, तो सेम हम आपको इस मैच में 150 के आसपास रन एक्सपेक्ट करके चले जाना। और देखो दोनों वीक टीम है तो इससे ज्यादा मत उम्मीद करके चलना। बात करते एवरेज स्कोर का, तो कल के दिन अगर एवरेज स्कोर का बात किया जाए तो 152 रन था, आज घटकर सिर्फ 130 रह गया है, क्योंकि उतना मैच मतलब रन स्कोर हो नहीं रहा। जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होता जा रहा है वैसे वैसे आपको लो स्कोरिंग गेम देखने को मिल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया T10 के मैक्सिमम मैचेस फिक्स भी हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि फिक्स है, तो थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ध्यान में रख के चलना कि आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर वेदर कंडीशन की बात करें तो ओवरकास्ट रहेगा, वैसे अगर जनरली नॉर्मल मैचेस की बात किया जाए तो ओवरकास्ट कंडीशन में शुरू के ओवर में आपको तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी हेल्प देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर आर्टिफिशियल पिच है तो यहाँ पर वैसा हम कह नहीं सकते। अगर बॉलर अच्छा खासा होगा तो डेफिनेटली स्विंग निकाल ही सकता है किसी भी पिच पर। बात करते हैं टोटल यहाँ पर 41 विकेट गिरे हैं, जिसमें पेसर्स ने 30 तो स्पिनर्स ने 11 विकेट पिक कर रखे हैं। इन मेंस क्रिकेट T10 क्रिकेट आपको पेसर्स ज्यादा अच्छा करते दिखते हैं एज कंपेयर टू स्पिनर्स, तो पेसर्स को अपनी टीम में प्रेफरेंस देके जा सकते हो, आपके लिए वन साइडेड विनिंग कराने में हेल्प कर सकते हैं, और मैक्सिमम टाइम पेसर्स का ओवर कटता भी नहीं है, स्पिनर्स का ओवर मैक्सिमम टाइम कट जाता है। बाकी देखो फाइनल टीम के लिए और आपको परफेक्ट बैटिंग लाइनअप चाहिए, चाहे T10 का मैचेस हो, चाहे इंटरनेशनल मैचेस हो, चाहे कोई भी लीग मैचेस हो, हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको परफेक्ट बैटिंग ऑर्डर मिल जाएगा। पिच रिपोर्ट में अगर कुछ चेंजेस होगा तो वॉइस नोट के साथ समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए और एक बेटर टीम क्रिएट करने में आपको हेल्प मिल जाएगा। तो ये अब बात ध्यान में रख के चलना कि आप टेलीग्राम पर जुड़ना और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना बहुत कंपलसरी है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। बात कर लेते हैं, देखो वेन्यू पर जो प्लेयर्स का प्रदर्शन कैसा गया दोनों टीम्स का मिला के बात कर रहा हूं मैं। यहां से VID की टीम की बात करें तो खोगी आनी की बात करें तो 3 मैच में 26 के एवरेज इन्होंने रन स्कोर किए हैं, वहीं ए से बात करें तो इन्होंने 19 और इन्होंने 18 के एवरेज से बात कर रखा है इन्होंने, लेकिन इनका नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रहा है, बट इन्होंने ऐसा ऐसा प्रदर्शन किया है, मैं आगे आपको समझा दूंगा कौन सा प्लेयर होगा। बाकी यहां से बात करें तो ए और फिर दाऊद जदरान ये 0.8 विकेट हर एक मैच में निकाल रहे हैं, मतलब जनरली मैं आपको आगे समझा दूंगा कौन सा प्लेयर कैसा प्रदर्शन करता है। बात करते हैं टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग करते सेकंड बैटिंग में आपको 66% पहले बैटिंग करती है टीम और सेकंड में बात करें तो 50%, मतलब अगर मान लो ना कि दो बार अगर टॉस उछाल रहे हैं तो एक बार की टीम सेकंड बैटिंग टीम बैटिंग फर्स्ट करती है और ओपन टू
बैट फर्स्ट और बैट विन वाले चांस, सॉरी यहाँ पर बैट विन है, यहाँ पर मैं सेकंड बैटिंग कह रहा था, मतलब 50% मैचेस आपको पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और 66% टीम पहले बैटिंग करना पसंद करती है। अब टीम डिस्कस कर लेते हो, तो शेरे पंजाब की तरफ से जब मैंने पहला मैच डिस्कस किया था तो वहां पर ए अरीफ की टीम, मतलब ए अरीफ आपको ओपनिंग बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख लो शेरे पंजाब का बैटिंग ऑर्डर, जो इनका सेकंड मुकाबला स्नैसी के साथ चल रहा है, इसमें हसन सादिक और हरमीत सिंह ओपनिंग करने आएंगे। नंबर तीन पर आपको सईद सौकात, नंबर फोर पे आपको जाहिद जदरान, उसके बाद कुशहावत गोराया, फिर जगदीप तिवाना, फिर बलजिंदर सिंह, अरसलान अरीफ, उसके बाद एस पारसे और सुलेमान इब्राहिम और ए साफी, जो मैंने आपको बताया था कि जिनका एवरेज काफी अच्छा है विकेट निकालने में। ये शेरे पंजाब का आपको बैटिंग ऑर्डर हो सकता है इस मैच के लिए। टीम डिस्कस कर लेते हैं, तो ए अरीफ को मैंने बता दिया कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे के मलयार। देखो ये शुरू के मैच जो पहला मैच खेला था उसमें इन्होंने दो ओवर की गेंदबाजी किया था, ओपनिंग बल्लेबाजी किया था, बट इनके तरफ से प्रदर्शन नहीं आ रहा, तो टीम इनको बॉलिंग भी उतना मौका नहीं दे रही है। तो आप चाहो तो इनको इस बॉलिंग में तो टीम में ट्राई करना ही करना, बट कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी सिर्फ जीएल में ट्राई करके चलना, क्या पता आपको वन साइडेड विनिंग कराने में हेल्प कर सकते हैं। ए सियादारी, इनका बैटिंग ऑर्डर कोई कन्फर्म नहीं रहता, इसके वजह से आप इनको अभी के लिए जीएल में ही ट्राई करके चलो। एच सिंह, अभी का बैटिंग ऑर्डर मैंने आपको दिखाया था, ये ओपनिंग में बैटिंग में मेंशन हुए थे, तो इनको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, पावर हिटर बल्लेबाज है, आपके लिए अच्छा खासा रन स्कोर करके दे देंगे। बात करते हैं यहां से आर अब्दुल हमजाई के बाद क्या जाए, तो इनको तो मैं बाय डिफॉल्ट अपने टीम में ट्राई करूंगा, काफी अच्छे ऑप्शन मेरे पास होंगे ये। बाकी एम सिंह इस मैच में खेले नहीं थे, ए बिलाल उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे, आर सलाम खेल जीएल में ट्राई करके चलना, ए रहमान जीएल में ट्राई करना, ए चीमा और ए सौकात खेल रहे हैं, बट इनका बैटिंग ऑर्डर नंबर तीन या नंबर चार पर शायद था, तो आप अगर चाहो तो इनको ट्राई कर लेना, बट उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है, अगर ये बॉलिंग नहीं कराएंगे तो एक एवरेज बल्लेबाज बन के रह जाते हैं, बाकी उतना कोई ऑप्शन है नहीं। चलिए अब ऑलराउंडर सेक्शन में बात करते हैं, तो ए डॉटसिल, इनका जब टूर्नामेंट का शुरुआत होता है मैंने आपको बैटिंग ऑर्डर दिखाया था, वन डाउन बैटिंग कर रहे थे, दो ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे, जब जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होता जा रहा था इनको कभी टीम डिमोट कर रही थी कभी प्रमोट कर रही थी, तो मैं तो अपने टीम में पिक करूंगा क्योंकि नंबर चार तक बल्लेबाजी तो डेफिनेटली करने ही वाले हैं, बट आपको दो ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी भी करके देंगे। के शेर, देखो इनको कोई भी अपने टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टनसी नहीं कर रहा था पहले मैच में फ्लॉप होने के बाद, तो मैं अपने टीम में इनको कैप्टन और वाइस कैप्टनसी उस समय दिया था और इन्होंने मेरे को वन साइडेड विनिंग कराने में हेल्प किया था, तो मैं इनको भी आज के मैच में बाय डिफॉल्ट पिक करूंगा। जे तिवाना भी अच्छे ऑप्शन है, मैं इनको पिक कर लूंगा, इनका जो हैट रिकॉर्ड था वो काफी बढ़िया था रिसेंट में और ओवरऑल में, बाकी देखते हैं ये मैच में कैसा प्रदर्शन करता है, इसके बेस पर मैं अगले मैच में इनको टीम में ट्राई कर सकता हूं। ए नसेरी, इनको भी बात करें तो मैं अभी के लिए टीम में ट्राई कर रहा हूँ, नंबर चार नंबर पांच पे बल्लेबाजी करेंगे और एक से दो ओवर की गेंदबाजी आपको करा के दे सकते हैं। ए मजार 53% सिलेक्शन है, बट इस मैच में ये खेले नहीं थे। एच खान उतने अच्छे ऑप्शन है नहीं। एच सादिक, ये भी टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आपके पास अच्छा खासा चॉइस हो सकते हैं, चाहो तो टीम में ट्राई कर लेना, अदरवाइज आप इनको मिस करके जा सकते हो। मैं अभी के लिए देखता हूँ, अगर इनका जगह बनता है तो मैं अपने टीम में डेफिनेटली पिक करूंगा। जैड जदरान, इनको तो मैं डेफिनेटली पिक करने वाला हूँ, अच्छे ऑप्शन है। ए मीरा खेल, ये विकेट भी निकाल कर दे रहे ऑलमोस्ट हर एक मैच में, तो ये आपके लिए बेहतरीन चॉइस आपके पास ये हो सकते हैं। ए सरदार को बात करें तो जीएल में ट्राई करना, सॉरी ये दोनों खेल ही नहीं रहे और डी जबर खेल ही नहीं रहे। ए चाहियुबी, ए साफी विकेट निकाले हैं, लोग इनको 2% सिलेक्शन है, बट इन्होंने विकेट अच्छा खासा पिछले मैच में निकाला, मतलब पिछला मैच का जब भी पिछले टूर्नामेंट खेले थे उसमें इन्होंने विकेट निकाले थे। एस इब्राहिम को जीएल में ट्राई करना, एस पासे को जीएल में ट्राई करके चलना, बाकी अभी हमारे पास दो प्लेयर को और ट्राई कर सकते हैं, तो एक मैं एच सादिक को ट्राई करूंगा, के गोराया भी अच्छे ऑप्शन है, देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई अदर बेस्ट ऑप्शन नहीं होंगे तो मैं के गोराया को ट्राई कर सकता हूं, तो के गोराया को अरेज सिंह में से किसी एक को आप ट्राई करके चले जाना, मैं अभी के लिए के गोराया को ट्राई कर रहा हूं क्योंकि बेटर ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। बाकी कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी में इस मैच में आपको बाय डिफॉल्ट के शेर को करने वाला हूं, बाकी 47% लोग ए डॉटसिल को कर रहे हैं, बट मैं नहीं करूंगा इनको, और वाइस कैप्टनसी ए डॉटसिल को करूंगा, मेरे वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छे ऑप्शन लग रहे हैं, कैप्टनसी के लिए काफी अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। बाकी में कैप्टनसी की बात करें तो के मलयार बेहतरीन ऑप्शन होंगे, ए अरीफ अगर टॉप ऑर्डर में से डिमोट नहीं होते तो ये भी अच्छे ऑप्शन होंगे, आर अब्दुल हिमजाई को भी अब जीएल में ट्राई नहीं होता, मतलब जीएल में कैप्टनसी ट्राई करके चलना, अच्छे ऑप्शन आपके पास होंगे। बाकी यहां से उतने अच्छे प्लेयर जीएल के लिए कैप्टनसी के लिए कोई नहीं है, बट आप इन तीनों को ट्राई करके चलना जो जो मैंने बताया जीएल में। बाकी देखो हमने विकेट कीपिंग सेक्शन से ए अरीफ के मलयार को ट्राई कर रखा है, बैटिंग सेक्शन से आर अब्दुल हिमजाई को ट्राई किया है, बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से के शेर, जे तिवाना, ए डॉट सील,
एच सादिक और ए नसेरी और यहाँ से के गोराया को ट्राई कर रखा है। के गोराया के ट्राई प्लेस पे आप एच सिंह को भी ट्राई कर सकते हो। बाकी जेड जदरान और ए साफी आपके लिए बॉलिंग सेक्शन में काफी अच्छे और इम्पोर्टेंट पिक आपके पास हो सकते हैं। मैंने कैप्टनसी के शेर को दिया और वाइस कैप्टनसी ए डॉटसिल को कर रखा है। मैक्सिमम लोग रिवर्स कर रहे हैं, कैप्टनसी इनको दे रहे हैं और वाइस कैप्टनसी इनको दे रहे हैं, बट मेरे को ये अच्छे ऑप्शन लग रहे हैं। टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी प्लस दो ओवर की गेंदबाजी कराने के चांस रखते हैं, इसके वजह से मैंने इनको कैप्टनसी कर दिया है। बाकी फाइनल टीम के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बाकी मिलते हैं इस मैच के साथ, मतलब फाइनल टीम के साथ आपको प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाकर सब्सक्राइब कर लेना अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा हो तो। ताकि वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।